अगर आपको लगता है कि Hyundai Grand i10 Nios चलाने में एक्साइटिंग नहीं है, then I have a good news. Hyundai लेकर आई है Grand i10 का turbocharged petrol version. Ladies and gentlemen, say hello to the Hyundai Grand i10 Nios Turbo. You only make you feel like you could never leave. Do the same, we can't go back. This is all we need. Follow me to make believe and make your dreams come true. This night means forever and so does me. Do you remember the Aura Turbo? अगर आपको याद होगा तो Aura Turbo का जो version है, एक जो स्पोर्टी वाला वर्जन है, वैसा सा ही डिजाइन थीम आपको यहाँ पर भी नजर आएगा. मतलब ब्लैक का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है. इस रेड कलर पे स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे टर्बो का बैज आपको नजर आएगा, ब्लैक ग्रिल है. बाकी कोई भी और चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं मोटे मोटे तौर पे अगर आप बात करें. हालांकि ऑफकोर्स बम्पर तो चेंज करना ही पड़ता है हर अपडेट में, तो यहाँ पर भी बम्पर चेंज किया गया. ड्यूअल टोन इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है. बाकी सारी चीज़ें सेम है. प्रोजेक्टिव हेडलैम्प आपको मिलते हैं, प्रोजेक्टिव फॉग लैम्प आपको मिलते हैं, ये LED DR बूमरिंग शेप में मिलती है. सो एवरीथिंग एल्स इज द सेम एटलीस्ट इन द फ्रंट. साइज से भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है. मतलब वही ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा. ब्लैक रूफ आपको दी गई है, ब्लैक ये रूफ रेल दी गई है. ये ग्लॉसी ब्लैक सा है, मतलब पियानो ब्लैक फिनिश जिसे हम बोलते हैं वो वाला फिनिश दिया गया है. ORVM जो है उसे भी ब्लैक कलर में रखा गया. टर्निकेटर्स रेगुलर मॉडल में भी आते हैं, यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं. बाकी कोई और बदलाव आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल में देखने को नहीं मिलेगा. अब भैया जब फ्रंट में और साइड में ब्लैक ट्रीटमेंट भरा गया है तो रेयर को कैसे छोड़ सकते थे. सबसे ऊपर आप देखेंगे ये जिसे कि ब्लैक कलर में रखा गया है. इंटीग्रेटेड स्पॉइलर यहाँ पे स्टॉप लैंप भी आपको दिया गया, बट इस कलर में काफी अच्छा लग रहा है. रूफ भी जो है वो ब्लैक है, और जो आप शार्क फिन एंटीना देखते हैं उसे भी ब्लैक कलर में रखा गया है. उसके अलावा बम्पर जो है उसे भी रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में दिया गया, मतलब ड्यूअल टोन इफेक्ट दिया गया है. और टर्बो की बैज आपको यहाँ पे दिखाई देगी. तो जहाँ एक्सटीरियर में कुछ सटल चेंजेस से, मतलब ब्लैक कॉम्बिनेशन से, ब्लैक ट्रीटमेंट से एक स्पोर्टी लुक आ रहा है इस मॉडल को, अंदर भी कुछ सटल चेंजेस किए गए हैं. और अंदर क्या किया गया है, जो बॉडी कलर है उसके जो ट्रीटमेंट है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा. मतलब हाइलाइट्स जो हैं वो बॉडी कलर हाइलाइट्स आपको लगेंगे. रेड कलर में गाड़ी है, रेड कलर के हाइलाइट्स आपको नजर आएंगे. जैसे कि अगर आप AC वेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे ये रेड हाइलाइट दी गई है. अच्छा लग रहा है इस ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में. ये पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल सेम है. यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये बटन्स जो है यहाँ पर भी रेड हाइलाइट दी गई है. अगेन थोड़ा स्पोर्टी इसे लुक दे रहा है. सीट अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की सीट दी गई है. आपको याद होगा Aura Turbo जो हमने बताया था हमारे रिव्यू में, उसमें भी सेम सीट थी. सेम सीट यहाँ पे दी गई. इनफैक्ट सीट का जो फैब्रिक है वो भी सेम है, कुशनिंग भी सेम है. इनफैक्ट बिल्कुल सेम सीट है. और यहाँ पर भी वही रेड स्टिचेस आपको नजर आती है. सेम रेड स्टिचेस जो है वो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी नजर आती है. तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको जो चेंजेस किए गए हैं वो इसे स्पोर्टी बनाते हैं देखने में, पर जो चीज इसे बनाती है चलाने में स्पोर्टी वो है ये. दैट मींस द न्यू 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि लगभग 100 bhp की पावर निकालता है और 170 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है, जो कि एक ग्रैंड i10 जैसी वेट वाली कार के लिए बहुत स्पोर्टी इंजन होने वाला है. पावर टू वेट रेशियो जबरदस्त होने वाला है. मैं वेट कर रहा हूँ कब मुझे मौका मिलेगा इस गाड़ी को चलाने का, बट आई एम ऑलरेडी होपिंग कि ये वेन्यू में सेम इंजन आता है. हालांकि थोड़ा सा बेटर पावर के साथ में आता है, बट पावर टू वेट रेशियो इसकी भी शानदार होने वाली है. और ये हैचबैक है तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है. और आप उससे पहले ये पूछे कि भैया प्राइस क्या है, तो एक्चुअली प्राइस जो होती है वो लॉन्च पे आती है. अभी तक इसे लॉन्च नहीं किया गया, बट बहुत जल्दी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा. बट मुझे उम्मीद है कि जो इसका मिड वेरिएंट आता है रेगुलर मॉडल का और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके बीच में कहीं से प्राइस किया जाएगा. लगभग 8 लाख के आसपास अगर इसे लॉन्च कर दिया जाता है, then it could be a great steal. That's it people on the Hyundai Grand i10 Nios Turbo. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए. अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे. एक थोड़ी बहुत हमारे साथ डिले इस बार कमेंट देने में इसलिए हो जा रही है क्योंकि हम ऑटो एक्सपो कवर कर रहे हैं एक्सटेंसिवली, तो जवाब आपको थोड़े धीरे मिलेंगे, बट मिलेंगे जरूर. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.